32 पार्षद हैं, 32 पार्षद इंक्वायरी करा लो। जो 20 साल पहले 40-50 रुपये का आदमी था ना, जो उनकी वैल्यूएशन आती थी 1 लाख में होगी, 1 लाख होगी, 2 लाख होगी बस, आज वो 50-100 करोड़ के मालिक हैं। एक पार्षद एमएलए कितने कमा रहा होगा कुछ अंदाजा ही नहीं है, मंत्री कितने कमा रहे हैं कोई अंदाजा ही नहीं है। सारी दुनिया को बताया खूब लूट, ना कोई टॉयलेट है, ना कोई पार्किंग है, सब कुछ अक्रोचमेंट कितना ज़बरदस्त है, धक्का मुक्की लगती है, जेब कटे घूमते रहते हैं। आप पुलिस की वहाँ मस्जिद के पास जिप्सी खड़ी जाती है, उसके आसपास सारा अक्रोचमेंट है। देखो आप कितने लोग परेशान हैं, आप जाकर देखो। ऐसे तो मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि सिक्योरिटी यहाँ की बहुत ढीली है। सिक्योरिटी भी ढीली है, सबसे ढीली है, प्रशासन भी ढीला है। जहाँ से उनको कमाई नजर आती है उसको टेंडर छोड़ देते हैं, फटाफट पैसा कमा लिया खत्म। नमस्कार, मैं राशिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे मन पसंदीदा चैनल हैप्पीनेस इंडिया में। एमसीजी गुड़गांव चुनाव, अगर चुनाव की बात करें तो तैयारी पूरी हो गई है, सरकार और जनता दोनों ने कमर कस लिया है। और मैं इस वक्त मौजूद हूं वहां जहां से गुड़गांव की चुनाव राजनीति आरंभ और समाप्त भी वहीं होती है। आइए हम यहां के दुकानदार और जनता से बात करेंगे चुनाव को लेकर, उनकी राय क्या है। तो सबसे पहले धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आपका शुभ नाम? उसेफ। तो आप ये बताइए कि अभी चुनाव आने वाले हैं, पिछला 5 साल आपका कैसा गया है यहाँ की राजनीति में? जैसा कि देखा जा सकता है गठबंधन की सरकार है, तो उसमें आपको क्या फायदा क्या नुकसान मिला है? फायदा तो कुछ भी नहीं मिला जी, यहाँ तो वैसे ही मार्केट है, वैसे ही वही रेट है, और जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, ना कोई अच्छा उपाय आगे मिला, ना पीछे किसी को, जैसे लेबर लाइन है, लेबर लाइन में कोई ऊंच नीच कुछ भी नहीं हुई। अब जैसे रेट होते मार्केट के, अब मार्केट के रेट वही हैं। अब जैसे तुम्हारे नगर पालिका ऑफिस है, कमेटी दफ्तर वाले, तो आप आने वाले दिनों में किसकी सरकार देखना पसंद करेंगे? आने वाले दिनों में किसकी सरकार पसंद करेंगे? हाँ जी। जो अच्छा होगा उसको। नमस्कार, आपका शुभ नाम? सुनील खुराना। सुनील खुराना, खुराना जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे अभी गठबंधन की सरकार है, आप इससे कितने खुश हैं? कोई भी खुश नहीं है, ये पैसों से सरकार बनती है, पैसों से चली जाती है। जो असलियत वोट है वो इनको वोट देकर राजी नहीं है। गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी तो बिल्कुल देता ही नहीं, आपको बताइए, पैसे वालों की सरकार है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। पिछले 8 साल में 8 काम गिनवा दें, हम वोट दे देंगे। तो आपकी ये पिछले 8 साल में 8 काम में भी नहीं हुई है? कुछ नहीं हुआ, आप देख लो भाई का भाई, पुराना शहर है भाई का भाई, कुछ नहीं, ना कोई फ्लाई ओवर है, ना कुछ, मेट्रो की बातें नहीं करते, कागजों मेट्रो बनती है, ये फलाने दिन हो जाएगा, रोज़ आप गूगल पर सर्च कर लो, फलानी चीज़ सर्च कर लो, आप खुद घूम लो, ना कोई टॉयलेट है, ना कोई पार्किंग है, सब कुछ अक्रोचमेंट कितना ज़बरदस्त है, धक्का मुक्की लगती है, जेब कतरे घूमते रहते हैं। आप पुलिस की वहाँ मस्जिद के पास जिप्सी खड़ी रहती है, उसके आसपास सारा अक्रोचमेंट है। देखो आप कितने लोग परेशान हैं, आप जाकर देखो। ऐसे तो मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि सिक्योरिटी यहाँ की बहुत ढीली है। सिक्योरिटी भी ढीली है, सब चीज़ ढीली है, प्रशासन भी ढीला है। जहाँ से उनको कमाई नजर आती है उसको टेंडर छोड़ देते हैं, फटाफट पैसा कमा लिया खत्म। अच्छा, तो आप अभी हम सदर बाजार में हैं, यहाँ क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? जो रेलवे रोड है मेन और न्यू या ओल्ड, आप जाकर देखो, सुबह रेंगते हुए घर से आते हैं हम, और लंबा लंबा काफिला होता है गाड़ियों का, इन्होंने फ्लाई ओवर नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया लोगों ने, मतलब ट्रैफिक भी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, और उसकी वजह से फिर पॉल्यूशन भी बहुत हो रही है। भाई है वो, देखो ना पॉल्यूशन आपके सामने है, सुबह जाओ तो ऐसे खांसी आती है, पूछो मत कहीं कहीं भी निकलो आप, पॉल्यूशन तो बीमार कर रहा है लोगों को, कुछ नहीं किया इन लोगों ने, बस आते हैं रेस्ट हाउस में बैठ जाते हैं, तकाजा करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से पैसा लिया, अटैचियाँ भरी चलते हैं। आपके एक चक्कर लगता है हमारे सीएम का, उनसे पूछो क्या करने आते हो, तुम्हारे यहाँ वो रिश्तेदार रहते हैं, कुछ नहीं करते वो लोग। आपके हिसाब से अभी जो सरकार, नई सरकार कौन सी पार्टी की आनी चाहिए? कांग्रेस, और कौन आएगा, वही आएंगे कांग्रेस, ओल्ड इज गोल्ड। अच्छा, तो अभी जैसे कि राहुल गांधी जी निकले हैं भारत जोड़ो यात्रा पे, तो इस पे आप कुछ बताना चाहेंगे? उन्होंने सही कहा है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और ये नफरत फैला रहे हैं, आपको भी पता है, सबको, पूरे देश को पता है, उनके काम है नफरत फैलाना, अपनी गद्दी हंसाना, बच्चे छाता खोला सबको इकट्ठे कर गए, फिर जब सरकार बन गई छाता बंद कर दिया, सब बिगड़ गए इधर से उधर। जब यहाँ कांग्रेस सरकार आएंगी तो आप उनसे क्या उम्मीदें करते हैं कि वो क्या क्या काम करेंगी? एक तो वो नफरत नहीं फैलाते, सब मिलजुल के रहते हैं, 36 बिरादरियों को सरकार में हिस्सेदारी मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसका शिकायत उसको नहीं देंगे, ये है तो वो नहीं देंगे। आपने कभी कांग्रेस सरकार में देखा ही नहीं होगा जात पात का चक्कर, इनमें होता है, आपने कभी बचपन से देखा है? हाँ, जातिवाद तो बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है ये जातिवाद, तो जातिवाद फैलाया इन्होंने, उससे पहले कुछ था ही नहीं,
आप देख लो जो बड़ी बड़ी कंपनियां बेच के खा गए, अब बच्चे रोजगार के लिए कहाँ जाएंगे? जितने पढ़े लिखे हैं 10% को नौकरी मिलती होगी, वो भी प्राइवेट, 90% उड़ गए। ना कोई कंपनी आई है 8 साल में, कोरोना में कुछ नहीं हुआ। जो हमारे हाउस टैक्स पैसे आए मिलते हैं ना जो सरकार के पास, जो हम टैक्स पे करते हैं, वो भी पूरा नहीं लगाते। तो यहाँ रोजगार में भी बहुत असुविधाओं का सामना कर रहे हैं। इंक्वायरी करा लो, एक एक 500 करोड़ रुपये कमा चुका है। आए थे स्कूटर पे 15-20 साल पानी स्कूटर लिए, आज वो मर्सिडीज गाड़ियाँ, फॉर्चूनर गाड़ियाँ, जेसीबी मशीनें हैं, और वो 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ वाली मशीनें आती हैं सफाई करने वाली, उन्होंने लेके उस नगर निगम में लगा रखी हैं, उनको 1,00,000 रुपये महीना किराया मिल जाता है। हम और आप तो हैरान है सब, बेसिकली आम जनता परेशान है। आप 32 पार्षद हैं, 32 पार्षद इंक्वायरी करा लो। जो 20 साल पहले 40-50 हज़ार रुपये का आदमी था ना, जो उनकी वैल्यूएशन आती थी 1,00,000 में होगी, 1,00,000 होगी, 2,00,000 होगी बस, आज वो 50-100 करोड़ के मालिक हैं। एक पार्षद MLA कितने कमा रहा होगा कुछ अंदाज़ा ही नहीं है, मंत्री कितने कमा रहे हैं कोई अंदाज़ा ही नहीं है। सारी दुनिया को पता है खूब लूटपाट मच रही है। तो मतलब करप्शन भी पूरा बराबरी का है। करप्शन पहले से 1,000 गुना बढ़ा है। पहले जो 100 रुपये में काम होता था वो 1,00,000 में होता है। आप जाके पता कर लो सरकारी दफ्तरों में, करप्शन बंद नहीं हुआ है और चलते ही आ रहा है। आपको ये जितने शेड हैं, हाँ जी, इंदिरा गांधी ने ये सब्जी बेचते थे गरीब लोग, हाँ जी, उनको कहा भाई तुम नसबंदी कराओ, हम तुमको शेड देंगे, धूप में चल रहे हो तुम। स्कीम बहुत अच्छी थी, इन्होंने एक्सेप्ट करी, इन्होंने करा ली, उन्होंने सब कुछ शेड दिए, कोई पैसे नहीं लिए उन्होंने। 5-7 रुपये किराया, 4 रुपये जो भी किराया था उस टाइम, बढ़ते बढ़ते आज 100-200 हो गया होगा। अब इन्होंने कहा ये शेड तुम बेचो इनको, अब बेचने के लिए इनके लीडर ही आ गए 5 लाख लाओ रिश्वत के, 3 लाख रुपये स्टैम्प ड्यूटी है, गवर्नमेंट की वैल्यूएशन 3-4 लाख रुपये है, 5 लाख रिश्वत मांगते हैं। पूरे बजटर सदर बाजार को पता है, पूरे शहर को पता है, नक्शा पास कराना और 1,00,000 रुपये दे दो उनको, कुछ नहीं करते, ये सब पैसा झपटम मार रहे हैं। इनको पता है हमने फिर आना ही नहीं है 50 साल तक, खिन पिट जाएंगे हम लोग सारे। अब जो लूट सके तो लूट, मतलब सरकार का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। आप देख रहे हैं कि 5 या 4 MLA आएंगे, इलेक्शन आज करा लो, सब 2 साल बाद करा लो। सेंटर में भी यही हाल होना है, ये 300 का आंकड़ा दे रहे हैं, आप देख लेना 30 पे आएंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। अच्छा आप क्या चाहते हो, सेंटर पे किसकी सरकार बने? कांग्रेस, राहुल गांधी, भारत जोड़ो, आप भी जुड़ो हमारे साथ, हाँ जी हाँ जी, और ये सब जुड़े हुए हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय। आपका शुभ नाम? पंकज कुमार। आपकी दुकान यहाँ कब से है? ये हमारा 2006 से लगता है यहाँ पर। 6 से लगता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं आने वाले दिनों में MCG के चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? हमारा तो यही राय है कि हम लोगों को दुकान लगनी चाहिए, बिल्कुल नगर निगम वाले परेशान न करें बस। नगर निगम वाले मतलब आपको नगर निगम वाले परेशान करते हैं? जैसे कि कभी कभी ये होता है कि सारा सामान उठा के ले जाता है जो थोड़ी सी बाहर होती है, तो बाहर होती है ना थोड़ी बहुत, तो उठा कर ले जाता है। आप क्या चाहते हो आने वाले दिनों में किसकी सरकार हो? अभी जैसा कि देखा जा सकता है गठबंधन की सरकार है, तो आप चाहते हो यही बनी रहे या फिर कोई नई पार्टी सामने आए? बिल्कुल नई पार्टी होनी चाहिए,